Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update from Shemaroo Kids. Shemaroo Kids. कहानी सुनाता हूं। ये बहुत दिनों की बात है पर लगता है जैसे कल की ही बात हो। एक सुल्तान था, एक दरिया दिल नेक सुल्तान, जिसकी सल्तनत समंदर के किनारे थी। सुल्तान और रियाया दोनों खुशहाल थे। उन्हें दूर दराज की दुनिया या सफर की कोई चाहत नहीं थी। लेकिन शहजादी सरीना सुल्तान की इकलौती बेटी उसकी हसरतें कुछ और ही थी। अच्छे इस बात को समझ नहीं पाए, तुम तो सिर्फ लड़की हो, बच्ची हो। मैं मल्लिका बनने के लायक हो चुकी हूँ। आदाब। आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं, लेकिन आप वादा कीजिए मुझे सब कुछ बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं और आप ये करामती दवाएं कैसे बनाते हैं। यार तुम तो सब जानना चाहती हो। सभी यही कहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ जानना चाहती हूँ। आपके सूखने और खाने का बंदोबस्त करती हूँ। समुद्री खाना खाएंगे? मैं खुद समुद्री खाना हूँ। क्या कहा? कुछ नहीं। क्या अनजान लोगों पर तू हमेशा ऐसे ही रहम करती हूँ? बाबा हमेशा कहते हैं शक करके एक अशर्फी बचाई जा सकती है, लेकिन भरोसा करके दो कमाई जा सकती है। लगता है तुम्हारे बाबा बहुत समझदार इंसान है। मैं उनसे फौरन मिलना चाहता हूँ। बाबा बाबा, मैं समुद्र के किनारे गई थी, ये बैकर किनारे आए। ये ऐसे देश के शहजादे हैं जहाँ इन्हें सिखाया जाता है। सरीना, तुम्हारा जोश देखकर तुम्हारा नया दोस्त कहीं डर ना जाए। इन्हें बिल्कुल बेजान सी हालत में पाया मैंने और आप देखिए ठीक है। आदाब जहाँ अपना। बाबा को अपनी जादुई दवाइयाँ दिखाइए और इन्हें बताइए कि इनके इस्तेमाल से आप कैसे ठीक हुए। बाबा ये बिल्कुल बेजान है। उसे बोलने का मौका तो दो। मुश्किल से खोज कर बनाए गए अपने नुस्खों का राज
मैं हर किसी को नहीं बता सकता। क्योंकि आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई, इसलिए आपको मेरे सारे नुस्खे समुंदर के पानी से निकले हुए हैं। नायाब चीजों का खजाना है समुंदर। मिसाल के लिए ये दूरंदेशी देता है, इससे याददाश्त बढ़ती है और इससे उम्र लंबी होती है। आप क्या पसंद करेंगे हुजूर? आपको याददाश्त बढ़ाने वाला नुस्खा लेना चाहिए, हमेशा आप मेरी सालगिरह भूल जाते हैं। तीसरा उम्र को बढ़ाता है। इसकी खुराक है हर दिन दो बूंदे। मेरी उम्र का तो आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। ये कैसे मुमकिन है? वो हर बात नामुमकिन लगती है जिसे खुद महसूस न किया गया हो। कोई दूसरा असर? इसकी तासीर से जोश पड़ता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है। जहां बना कहीं आप लंबी उम्र से घबरा तो नहीं रहे हैं? खुशी और लंबी बादशाह के लिए। इस चिपचिपी चीज को समंदर की तलहटी में पड़े पत्थरों से खुरच कर निकाला गया बाबा। इसने मेरे बाबा का जिस्म चुरा लिया। इससे मुझे जहर देने की कोशिश की और मेरी बेटी पर जादू किया। झूठ बोल रहा है, जादूगर ये है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। इसे ले जाओ और जादू का असर उतरने तक कमरे में बंद रखो। खबरदार, जब तक कि मैं इसकी मौत का तरीका ना सोच लूं, इसे कैद खाने में सड़ने दिया जाए। नहीं रुको। लेकिन जा अपना। सुना नहीं? बाबा होश में आइए। बाबा, बाबा को छोड़ दो। मैंने कहा मेरे बाबा को छोड़ दो। क्या किया तुमने मेरे बाबा के साथ? मैं देखो तुम संभालो, होश में रहो। पापा, ये देखो इसकी किताब, इसमें जहरीले नुस्खे हैं और मैं बताती हूँ इन्हें कैसे बनाता है। बेटी क्या कर रही हो? इसका यकीन मत करो, ये झूठा है। बेटी ये तुम जानती हो कि क्या कह रही हो? देखो ये मेरे बाबा की आवाज नहीं है। बाबा, ये क्या किया तुमने उनके साथ? खामोश। बेचारी पागल हो गई। रुको उसे। अगर तुमने मेरे बेटे को जल्दी नहीं ढूंढा, हो सकता है वो कुछ नुकसान कर बैठे। वो मिल जाए तो उसकी बातों पर जरा भी गौर नहीं करना, बस यहां ले आना। हाँ गई शहजादी। को सुल्तान समझता है। चल चल अंदर। सुल्तान को मारने की कोशिश की, मरेगा ये।
सरीना। सरीना। क्या हुआ? करीब आओ मेरे। कैसे कैसे यकीन करूं कि आप मेरे? यकीन करो, तुम अपने बाबा को अच्छी तरह जानती हो। भले ही आज मेरी शक्ल बदल गई, सरीना तुमने देखा ना क्या हुआ था? मुझे कुछ ठीक से याद नहीं और मैं किसी पे यकीन करना चाहती हूँ। तुम्हें गुलाब बहुत पसंद है ना? तुम्हारा पसंदीदा रंग नीला है। तुम्हें सेब पसंद है। तुम छुट्टी हुए सेब के लिए लेकिन अब वो बाबा। तुम चले जाओ, उसके हाथ पड़ने से बचो। मेरे पास उसकी किताब का पन्ना है। मुझे अंदाज हो गया है कि इस जादू को उतारने वाला नुस्खा कहाँ मिलेगा। उसे हासिल करके ही मैं वापस आऊंगी। हौसला रखिएगा। खुदा हाफिज बेटी। Ha 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 ha.
शायद इससे काम बन जाए। चुका दूंगी। अरे यार, अरे यार, अरे यार, कौन से काफ़ चेक नहीं रही जैक। खुश आमदीद मेरे मैखाने में। जल्दी आओ। वो जहाज किसका है? वो जहाज तो सिंदबाद का है। सिंदबाद कहाँ मिलेगा? वो किराए पे जहाज नहीं देता, सिर्फ खुद के लिए इस्तेमाल करता है। तुम में से सिंबाद कौन है? मैं हूँ। मैं हूँ सिंबाद। ए, मैं क्यों? हम सब हैं सिंबाद। लगता है तुम भी सिंबाद हो। जो कहो वही बन जाऊं। मैं इस मुल्क के सुल्तान की बेटी हूँ। शहजादी को सलाम करो। चलो तुम्हें समंदर। छोड़ो मुझे। ठहरो, जाने दो उसे। तुम नशे में हो और वो कुछ। परेशान लगती है। हाथों साफ करो, तैयार हो जाओ, मुकाबला शुरू हो गया है। एक और है जावा सिंबा और दूसरे और सवाल उड़ गया। ये मारा। जब भी ये मेरे अड्डे पर आते हैं ये झगड़ा जरूर करते हैं।
सिंबा ने मुझसे हमारी और मुझसे पानी दादू चढ़ ही नहीं कि दोस्त के खाते उठ रहा है उठ रहा है उठ गया अब मुझसे बाकी कोई खैर नहीं सिनबाद 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 माफ करना तोड़ फोड़ के लिए वैसे भी पुरानी हो चुकी थी ये नुकसान कम हुआ ये तो बहुत ज्यादा है तुम्हारा एहसान तो मैं जिंदगी भर ना चुका पाऊं खुदा हाफिज खुदा हाफिज शहजादी का अभी अभी पता चला वो चेक के शराब खाने में है किस बात का इंतजार कर रहे हो जाओ सुनो माफ करना सच कहो तुम ही सिंबाद हो ना तुम्हें ये कैसे लगा क्योंकि वहाँ सिर्फ तुमने ही सिंबाद होने का दावा नहीं किया मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है अभी अभी तो मदद की है मैंने मेरे बाबा कैद में है तो जाओ किसी वकील को पकड़ो उन्हें सजाए मौत दी गई है कहा ना वकील ढूंढ लो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तुम्हें मदद चाहिए जो भी खुद को शहजादी समझे उसे वाकई बहुत मदद की जरूरत पड़ेगी मैं सिर्फ समझती ही नहीं वाकई शहजादी हूँ कीमत दे सकती हूँ कितनी देखो मुझे इस काम की कीमत का अंदाजा नहीं तुम बोलो क्या लोगे मैं खामखा मुसीबतें नहीं मोल लेता सुनो जो कहोगे दूंगी तुम्हारे वजन का सोना मंजूर काम होते ही मिल जाएगा रुको बुझ दे तुम कुछ भी कहो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ खुदा हाफिज मुझे दुनिया के आखिरी छोर तक जाना है किससे कहानियां पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिमाग फिर गया है दुनिया गोल है और गोल चीज का कोई छोर नहीं होता रुको पहले पूरी बात तो सुनो कहा ना दुनिया गोल है मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मुझे पता है मुझे धुंध की दीवार के उस पार जाना है इस लक्ष्य में है वो जगह ये धुंध की दीवार सिर्फ कहानी की बात है हकीकत नहीं सुनो रुको रुको वापस आ जाओ मैं हुक्म देती हूँ अंदाज अच्छा लगा लेकिन इस बार हुक्म देने के वक्त अपना मुंह बंद ही रखना उड़ा लो हसी मुझे कोई परवाह नहीं मुझे बस बाबा को बचाना है क्या सोचा सिंबा किस बारे में ये क्या कर रहे हो खामोश आ जाओ खाक छाने कहाँ गई वो तुम्हारी बीवी फिर से भाग गई क्या ओ, अगर सोचते हो यू ही मारपीट कर जुबान खुलवा लोगे तो भूल जाओ बदमा
بدماشو مظلوم کو ستاتے ہو تمہیں خدا غارت کرے اور تو تب دوزخ میں جائے گا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو لے کر سنباد کہاں گیا سلطان سلطان کے سوال کا جواب ہے کون سلطان شہزادی نے تو بولا کہ سلطان قید میں ہے اور ان کی جگہ یہ بہروبیاں بیٹھا ہے تو نے حد پار کرنے کی ضرورت کی ہے تجھے قید میں ڈال دیا جائے گا بدتمیز لے جاؤ اسے چلو چلو کوئی سواری ہے یا نہیں کوئی بات نہیں چلو یہی صحیح دو دو میری بدعا تمہیں تباہ کر دے گی کون ہے کون ہے سامنے آؤ آؤ اجنبی میرے قید خانے میں خوش آمدید عالم پناہ ان کمینوں نے آپ کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھا ہے شہزادی نے سچ ہی کہا تھا تم نے اسے میرے یہاں مدد مانگنے آئی تھی اور اسے مدد مل بھی گئی سمندر بھی گئی ہے اس میں خطرہ تو نہیں اگر وہ اب تک سنباد کے پاس آئے تو ضرور محفوظ ہوگی صبح شام محنت کرتا ہوں اچھا خاصا کھانا بناتا ہوں مگر کوئی تعریف کر دے ایک بار یہاں پہ نہیں اچھا خاصا انسان بیٹھا ہوں دکھتا نہیں ہے گا تم کو معاف کرنا کتنی پیاری صبح ہے صبح نہیں دوپہر ہے مجھے کسی نے جگایا کیوں نہیں ہمیں جہاز سنبھالنے سے فرصت نہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے کپڑے صاف رکھے جائیں جب چاہو صاف کر لینا یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے صبح کے ناشتے میں دیر ہے تو کیوں بھی نہیں ناشتہ ناشتہ چلا رہی ہے مجھے ناشتے میں مکھن اور سیب پسند ہے مجھے بھی پسند ہے آج ناشتے میں کیا ہے مرغ مچھلی اور بسکٹ کے ساتھ ابالے ہوئے مٹر یا پھر ابالے ہوئے مٹر کے ساتھ مچھلی اور بسکٹ بہتر ہوگا سیدھے رات میں ہی کھاؤں اس شہزادی کے نکرے جھیلنا میرے جیسے خان صاحب کے بس میں نہیں وہ کی لمبائی کا راز ہے زیادہ مچھلیاں کھانا مذاق مت کرو میں ابھی بھی اپنے سے آدھی لمبائی والوں کا دگنا ہوں بولو میں کیا مدد کروں شکریہ سب کچھ ایسے ہی اچھا چل رہا ہے یہ سمندر میرے لیے نئی چیز نہیں میری سلطنت اس کے کنارے ہی ہے سمندر کے کنارے یا سمندر کے بیچ کوئی فرق ہی نہیں بال کو اور اونچا کرو مصطفیٰ اور اوپر کرو بیوقوف صرف رسی کب تک پکڑے رہو اس سے بہتر کوئی کام بتاؤ لگتا ہے تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے رسی چھوڑنا نہیں میں تمہیں اتارتا ہوں بہت مزہ آیا ہوگا اس اٹھنے میں نیچے وہ ڈوب رہا ہوگا چلو اسے ہر روز کا وہی لفڑا پوچھا لگاؤ جھاڑو لگاؤ بس موک موک ہی چلاتے رہتے موک 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 گھبرا نہیں میں رسی پھینکتا ہوں آرام سے چلے آؤ آ جا ذرا سنبھل کے سنبھل کے رسی چھوٹی کیسے اتنی بے وقوفی اور کر بھی کون سکتا ہے
शहजादी साहिबा, आप कौन से सुनहरे ख्वाबों में डूबी हुई थी कि रस्सी छोड़ दी? जानबूझकर थोड़ी ही किया मैंने। अगली बार मदद करने की बात करोगी तो कान घुमाकर दो चाटे रसीद करूंगा। शहजादी से इस तरह बात नहीं करते। ये मेरा जहाज है और मैं ऐसे ही बात करूंगा। मैं तुम्हें मेहनताना दे रही हूँ। दौलत हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, समझ गई? अच्छा यही होगा कि तुम्हें कोने में शहजादियों की तरह बैठ जाओ चुपचाप, वरना तुम्हें वापस छोड़ दिया जाएगा। तुम्हारी ये हिमाकत? अच्छा, जहाज को वापस मोड़ो, जहाज को वापस मोड़ो, जहाज को वापस मोड़ो, जहाज को वापस मोड़ो, जहाज को वापस मोड़ो। अरे खामुखा क्यों वापस मोड़ते हो भाई? देख लिया, नादान, समुंदर ऐसे ही खारा है, उसमें अपने आंसू और न मिलाओ। ठीक है, अब ये बताओ वापस मुड़ना है या नहीं? सीधे चलो। सिंदबाद को ये भी पसंद नहीं आई। ये लड़की है ही नकचढ़ ही। सच कहते हो बेचारा। उस शैतान ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तूरंदेशी या दाश्त या लंबी उम्र? क्या मांगा आपने? लंबी उम्र। काश अगर दूरंदेशी मांगी होती तो ये देख सकते थे कि क्या होने वाला है। फिर आगे क्या हुआ कहिए? ठीक से याद नहीं। जब कोई अपना दूर हो तो उसकी कमी करती है। सिर्फ बात को मैं बेटे की तरह मानता हूँ, उसकी फिक्र लगी रहती है। उसके माँ बाप कहाँ है? बहुत दिन हुए समंदर में बिछड़ गए। कोई नहीं जानता आखिरी बार ये कब इस्तेमाल होगा। इसे चालू किया जाए। जो रियाया इंसाफ में देर नहीं चाहती। मेरी मदद की वजह क्या है बताओ? मुझ पर बहुत सा कर्ज है। मुझे यकीन नहीं। सफर के लिए मुझे किसी खास वजह की जरूरत नहीं। सचमुच? हाँ, कहीं तो मैं इसलिए चला जाता हूँ कि मुझे मेरा नाम सुनने में अच्छा लगता है। जहाँ कोई भी ना गया हो वहां जा पहुंचता हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि वहां है क्या। तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया? देखो इस नक्शे में वो जगह दिखाई गई है जहाँ हमें उस शैतानी नुस्खे का कांट मिल सकता है। तुमने कभी वो दुनिया देखी है? जरूर वो जादूगरों की दुनिया होगी। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें कहां मिले थे? उस जादूगर की किताब से।
नहीं बचो, वो आ रहा है। अबे रुक, तेरी तो तेरा की मारा दूंगा। ये है क्या? क्या सोच रही हो शहजादी? तुम तो कमाल के बहादुर हो कप्तान। काफी अच्छी धुन है। समुद्र का संगीत सबसे मधुर होता है, सुना कुछ? किया था गौर से सुनो तो खो जाओगी।
मछलियां भी गा रही हैं। तुमने इतने सफर किए न जाने कितने दिलचस्प लोगों से मुलाकात हुई होगी। एक बार तुम्हें एक ऐसा शख्स मिला जो तारों की चाल बता सकता था। और ढेरों हसीन औरतें भी मिली होंगी। कुछ उनमें कोई खास? जांचने का वक्त ही नहीं मिला। किसी को हमसफर बनाने की नहीं सोची तुमने? ना। तुम्हारी मुलाकात तो बहुत से शहजादों से होती होगी। कुछ से ही। उसका पानी पीते ही मुरादें पूरी हो जाती हैं। मुख तो 7 फीट की लंबाई मांगेगा। खान सामा मांगूंगा जिसे खाना बनाने की तमीज कम से कम पतीले में झांक कर तो देख सके कि कैसा पक रहा है। उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना हो तुम्हें। धूम की चादर के दूसरे ओर पहुँच तो जाओ, वहाँ से जादुई नुस्खा हासिल कर लूँ, फिर देखूंगा कौन किसका मजाक उड़ाता है। कुछ गड़बड़ी तो और छोटे हो जाओगे। अब अगर किसी और ने कुछ कहा तो मैं उसे नीचे से काट के आधा कर दूंगा। लगता है मुझे पैसा लग गया। मैंने बचपन से धुन के किस्से सुने हैं। मुस्तफा किसी से नहीं डरता। दंगल आदमी को कुछ खोने का डर ही नहीं। मुझे चिंता हो रही है। हम सबकी? मैंने तुम सबको खतरनाक मुसीबत में डाल दिया। दोस्तों, मैंने कभी तुम्हें ऐसे काम के लिए नहीं कहा जो मैं खुद न कर सकूं। तुम में से जो धुंध के पार जाना चाहते हो हाँ कहें। तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा, हम सब जाएंगे। अच्छा कप्तान। बाबू गहराई नापो। 10 गज, 150 गज, 300। कभी इतनी गहरी धुंध देखी है? नहीं। 700 गज, 1000। बहुत गहरा समंदर है, इससे ज्यादा नहीं नाप सकते। चट्टानों से टकरा सकते हैं, रास्ता बदलना होगा।
नाव नीचे करो, आगे नाव चलेगी। लोग इसे हौसला मंदी और ऐश की जिंदगी कहते हैं। सर पे धूप तप रही है, कहीं छाव का निशान नहीं। जलते चूल्हे तो बहुत देखा, यहाँ तो सूरज जल रहा है। ये कैसी आवाज आ रही है, जैसे कोई दरिंदा गुर्रा रहा हो। जहाज के धज्जियां उड़ा देंगे। थोड़ा दाहिनी ओर घुमाओ। और थोड़ा और घुमाओ, जल्दी। अकेले तुमसे नहीं होगा। जहाज को कहीं अटकाने की कोशिश करते हैं। कर नाव पर चले जाओ। चले जाओ। ये मेरा हुक्म है, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। मैं अकेले छोड़ के नहीं जा सकता, तुमसे यही समझेगा। मैं संभाल सकता हूँ। ये अकेला नहीं है, हम दोनों इसे पकड़ते हैं तो नाव पे चले जाओ। ये क्या कर रही हो? इस मुसीबत की जड़ मैं हूँ, अगर कोई यहाँ रुकेगा तो मैं। तुम्हारी जान कीमती है। क्या कर रहा है वो? पतवार को चट्टानों में
लगाना चाह रहा है ताकि जहाज उल्टे ना, हमें बचाना चाहता है। इसमें तो खतरा है। उसे पता है। Thank you.
घबराओ मत। तैयार, जल्दी। आजा, अब तुझे मैं चखाता हूँ शैतान की धुन। बेकार की तारीफ की तुम्हारी, जला कर उल्टे फंस गए हम। मुझे क्या पता ऐसा होगा। अब क्या किया जाए? ऐसे में मैं तो शायद इसीलिए बचा भी हूं। वो नीली रोशनी देखो, वो अजनबी की किताब में यहां की तस्वीर थी। पूरी दुनिया देख चुका हूं।
जाएंगे कैसे? लगता है जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। काफी नरम है, लेकिन ये है क्या? बस नीचे जाने का एक ही तरीका है।
जगह। तुम लोगों के बारे में जानकारी हम यहाँ से पाते हैं। जहाज का नंबर? की बेटी तुम्हारा अपना संगीत नहीं? बस समुद्र का संगीत सुनते हैं। सच कहा सिंबाद, ये तो शाही जहाज का मलबा है। क्या ये मेरी माँ बाबा? इसी से बराका को तुम्हारी सल्तनत के बारे में पता चला और वो वहां जा पहुंचा। तू क्यों हो गई सरीना? तुम्हारे हाथ पर जो खरोच है क्या उस मकड़ी ने लगाई थी? देख लेने दो उसे। मुझसे डरो नहीं, हम किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते, यही हमारा उसूल है। क्या मुझे इसी नुस्खे की जरूरत है? ठीक हो गया, ये तो जादू है। तैयार करो। खड़े हो जाओ। खोल दो। क्या है सब? क्या हो रहा है? तुम्हारा फैसला होगा। कहीं हमें देर ना हो गई हो। घबराओ नहीं, हवा तेज है, मौसम साफ है, जल्दी पहुंचेंगे। जुर्म की तुम सजा देने वाले हो मुझे? मुल्क से गद्दारी, धोखाधड़ी, मुझे मारने की कोशिश। तू भी मरे बच्चे, उसे जाने दो। उसने कोई गुनाह नहीं किया है, एक बेगुनाह का खून होते हुए नहीं देख सकता। उसे छोड़ दो। अच्छा।
जाओ तो तुम पहले मरो। हवा का रुख समझ नहीं पाया शंशा, मेरे सब्र की हद पे गलत समझे तुम। सिपर सालार, मेरे फैसले को अंजाम दिया जाए। सुनवाई हुई ही नहीं और फैसला हो गया। वो रहा, उधर देखो। हमने तो समझा था ये एक दोस्त है, लेकिन ये गद्दार निकला। हमने खाना दिया और इसे दिया शैतानी नुस्खा। हमारी नर्म दिल के बदले हमें धोखा दिया। खुद के खून की कोशिश भले माफ कर दूं, पर इसने मेरे प्यारे बेटे के साथ जो किया उसके लिए हरगिज नहीं। मेरी जान से अजीज बेटी, जिसे कल को इस मुल्क की मलिका बनना था। क्या तुम नकाब चाहोगे? चूंकि ये मेरा नहीं उसका चेहरा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि लोग उसे मरता हुआ देखें। अरे ये क्या है? चलाओ इसे, मैंने कहा चलाओ। शाबाश मेरे लगते जिगर, मैं तो एक बार डर ही गया था। मौत मुझे छू भी नहीं सकती जैक। ओ गया जहन्नम में। मुख से कहना आज रात इसे ही पकाए। मुझे माफ कीजिए जापना। आइंदा कानों पे भी भरोसा करना। सिंबाद यहाँ आओ। देखो तो लीजिए जनाब कहानी खत्म। सिंबाद को उसकी जाबाजी के बदले सुल्तान की बेटी का हाथ मिला और शहजादी को दुनिया की सैर करने का मौका, और उसके बाद फिर छोड़िए वो एक दूसरी कहानी।
Bye, kids. Hope you liked the video. Subscribe for more fun videos.